और इतनी थर्ड क्लास का क्वालिटी है, इतनी थर्ड क्लास का कि देख रहे हैं ये जो इसके अंदर जो ईंट भी लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल दो नंबर तक कुछ रखिए, तीन नंबर का ईंट है। मतलब महीने दिन काम हुआ, यहाँ पटिया टूट गया, उधर भी तीन, मतलब कमीशन के चक्कर में कमीशन मिल रहा है उसको, इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत हाटा में चल रहे विकास कार्यों में जमकर लूटपाट की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस कार्य की क्वालिटी क्या है। महज एक महीना इस कार्य को किए हुए पूरा हुआ है। वार्ड संख्या दो के लोगों का कहना है कि जो योजनाएं संचालित हैं उसमें जमकर लूटपाट की जा रही है, जिसका मुख्य कारण है ठेकेदार से लेकर वार्ड पार्षद एवं पदाधिकारियों तक की मिलीभगत। दरअसल वार्ड संख्या दो में पीसीसी ढलाई एवं नाली का निर्माण हुआ है, जिसकी गुणवत्ता इतनी घटिया है कि मात्र एक माह के अंदर जगह जगह टूटने और बिखरने शुरू हो गई, जिस पर लोग काफी नाराज हैं। नाराजगी तब और बढ़ गई जब उस गड्ढे में आने जाने वाले लोग गिरकर जख्मी होने लगे। यहां तक कि वार्ड संख्या दो में स्थित एक निजी विद्यालय के कुछ बच्चे भी लगातार गिर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। आइए जानते हैं उनकी बातें। लोग दो बार ढाल चुके हैं, टूट टूट जा रहा है, गाड़ी आ रही है, सब मट्टी से सब जाम पड़ा हुआ है, देख रहे हैं सब मट्टी सब पड़ी हुई है। ऐसी मोहल्ले के निवासी हैं आप? कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर टू है। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत गुप्ता। ये तो लगभग रोज ही एक दो टूट रहा है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आ रहा है माल लेकर, वैसे वैसे जहाँ उसका चक्का पड़ा है टूट जा रहा है, एकदम कमजोर बना है। क्या नाम है आपका? बबलू। बोले से तो बोले ठीक है, बन जाएगा, उधर दो चार पटिया डलवाए हैं, लगेगा अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिक्की जायसवाल। बिक्की जायसवाल, मतलब हम समझाए कि थोड़ा काम अच्छा होना चाहिए, तो लोग कहने की ठीक काम हो रहा है, अब हम लोग अपना चले गए। और क्या नाम है आपका? अरुण पास। काफी खराब है, जगह जगह टूटा हुआ है। ढलाई के बाद हम लोग आते जाते हैं, एक न एक टूटता रहता है, गाड़ी फंसता रहता है। मदन जायसवाल यहीं रहते हैं। ढलाई नहीं, ये नाली का निर्माण हुआ है। अच्छा, और ये नाली का निर्माण पिछले कम से कम 10-12 लोग लगभग हो गया होते हुए, और इतनी थर्ड क्लास का क्वालिटी है, इतनी थर्ड क्लास का कि देख रहे हैं ये जो इसके अंदर जो ईंट भी लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल दो नंबर तक कुछ रखिए, तीन नंबर का ईंट है। आज अगर बड़े ट्रक ट्रैक्टर वगैरह चले जाएँ तो फंस जाएगा नाली, और जीता जाता प्रमाण है कि देख रहे हैं ढक्कन जो है कि मतलब लो क्वालिटी का है। ये ढक्कन, आगे ढक्कन, उधर भी तीन चार ढक्कन टूट करके साफ खत्म हो गया। यहाँ पर दो बच्चे हमारे साइकिल से गिर गए, उनको चोट भी लग गया है। मैंने वार्ड से बोला भी था, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इसकी शिकायत भी की, कोई सुनवाई नहीं। अभी तक ये कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, इसको कई बार मैंने वार्ड को बोला, अभी तक नहीं उठा, अभी उठेगा। ढक्कन भी टूटा, उस अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। जिस समय कार्य हो रहा था उस समय आप लोग आवाज़ नहीं उठाया? उस समय मतलब हम थे नहीं, लेकिन उस समय भी कहा गया था, लेकिन कुछ इस तरीके का अब माहौल है कि कहने पर निजी दुश्मनी हो जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। तो भाई आदमी कहाँ कहे क्या करे, इस चीज़ को समझना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि लोग हैं आकर के देखना चाहिए इन लोगों को कि भाई जो भी निर्माण हो कम से कम इस हद तक को, यहाँ स्कूल है, बच्चे आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और ये अभी तो बता रहे हैं ना, दो बच्चे इसमें गिर गए। हाँ, आपको बगल में विद्यालय है? बगल में विद्यालय फोर्थ स्टेट अकेडमी चलता है। मैंने बोला, वार्ड को भी बोला, तो बोला सर हो जाएगा, ढक्कन ढलवा देंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है सर आपका? जी राकेश शर्मा, फोर्थ स्टेट अकेडमी डायरेक्टर। जो वार्ड दो में ये पीसीसी की जो नाली वाला ढलाई हुई है, वो बिना 0% गुणवत्ता वाले हैं, बिना गुणवत्ता काम हुआ है, और यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ना देखने आ रहे हैं कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। बताइए, ये लगभग महीने दिन काम हुआ, यहाँ पटिया टूट गया, उधर भी 300 पटिया टूट गया है, हाँ वो नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे कल जो काम हुआ है हम लोगों में, 0% वाला काम हुआ है, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए, यहाँ भी वहाँ भी जाके देख लीजिए, वहाँ भी स्थिति बहुत बुरी है, और ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है काम। तो काम कौन करवा रहे थे? ये तो ठेकेदार साहब थे, हम लोग भी नहीं पहचानते कहाँ के ठेकेदार, वो करा रहे थे अपना, वो अपना करा ढाल वाला घर चले गए, और जनप्रतिनिधि को हमने एक बार भी देखा नहीं कि नहीं आकर यहाँ पे देख रहे हो कैसा काम हो रहा है कैसा काम नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? जी नीरज कुमार जायसवाल। लोगों में नाराजगी किस कदर है आप देख सकते हैं। जब इससे जुड़ी जानकारी नगर पंचायत हाटा के ईओ दिनेश दयाल लाल से लिए, तो उनके द्वारा बताया गया कि नाली पर के कुछ ढक्कन टूटने की बात सामने आई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जहां जहां ढक्कन टूटा है वहां संवेदक से कहकर दोबारा फिर से बनवाकर लगवाया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे NS हिंदी न्यूज के साथ। धन्यवाद।